कि जैसे ट्रेन में चढ़े कुछ ही दूर तक निकले थे, मेरा पेट खराब था, मैं जो बोलता सत्य बोलता, झूठ में बोलता नहीं, इससे झूठ बोलने से मेरा फांसी नहीं पड़ जाएगा। तो बात यह है जैसे हम चढ़े तो कुछ देर के बाद लैट्रिन लगा, क्योंकि जैसे ट्रेन में चढ़े कुछ ही दूर तक निकले थे, मेरा पेट खराब था, मैं जो बोलता सत्य बोलता, झूठ में बोलता नहीं, इससे झूठ बोलने से मेरा फांसी नहीं पड़ जाएगा। तो बात यह है जैसे हम चढ़े तो कुछ देर के बाद। अपनी हरकतों के लिए सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अब एक नए विवाद में घिर गए हैं। इस बार गोपाल मंडल ने पटना से दिल्ली जाते समय ऐसी हरकत कर डाली कि हंगामा हो गया। सहयात्रियों ने आपत्ति जताई तो आरोप है कि विधायक जी मारपीट पर उतारू हो गए, गाली गलौज के साथ गोली मारने की धमकी दे डाली। जानकारी के मुताबिक पटना दिल्ली तेजस ट्रेन से यात्रा कर रहे गोपाल मंडल पर आरोप है कि उन्होंने अंडरवियर में ट्रेन की बोगी में घूमने से मना करने पर सहयात्री के साथ गाली गलौज की और गोली मारने की धमकी दे डाली। सहयात्री प्रहलाद पासवान का आरोप है कि विधायक अंडरवियर में ट्रेन में घूम रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया। तब तक उन्हें नहीं पता था कि ये विधायक जी हैं। आरोप है कि विरोध के बाद गोपाल मंडल गुस्से से आग बबूला हो गए और सहयात्री को माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दिया और साथ ही मारपीट पर उतारू हो गए। इतना ही नहीं, सहयात्री प्रहलाद ने यह भी आरोप लगाया है कि विधायक ने उन्हें गोली मारने की धमकी दे डाली है, जिसकी उन्होंने आरपीएफ से शिकायत भी की। शिकायत के बाद उनका कोच बदल दिया गया। रेल यात्री प्रहलाद ने विधायक की ओर से गाली गलौज किए जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि पुलिस से शिकायत करेंगे। ट्रेन में यात्रा कर रहे विधायक गोपाल मंडल से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन उनके किसी साथी ने उठाया और बताया कि वो सो रहे हैं। विधायक के मित्र कुणाल सिंह ने इस संबंध में बताया कि विधायक डायबिटीज के मरीज हैं। डायबिटीज ज्यादा बढ़ जाने पर अर्जेंट बेसिस पर दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक का वजन भी ज्यादा है, इसलिए वो पूरे कपड़ों में वॉशरूम नहीं जा पाते हैं, वो लुंगी गमछे में बाथरूम जाते हैं। आज ट्रेन में चढ़ते ही उन्हें वॉशरूम जाना पड़ गया, वे हड़बड़ी में अंडरवियर में ही चल गए, जिस पर एक यात्री ने बदतमीजी से बात की। विधायक ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन आकर उससे बात की। जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ था। कुणाल सिंह ने कहा कि थोड़ा बहुत गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन अब इस मामले के बाद विधायक जी का फोटो सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। विधायक जी, आपका फोटो वायरल हो रहा है कि तेजस ट्रेन में आप गंजी और अंडरवियर में दिख रहे थे और इसके बाद वहां के पैसेंजर ने आपत्ति जताई, फिर हंगामा हुआ, सच्चाई इसमें क्या है? सच्चाई है, वास्तविक में हम अंडरवियर और गंजी में थे, क्योंकि जैसे ट्रेन में चढ़े कुछ ही दूर तक निकले थे, मेरा पेट खराब था, मैं जो बोलता सत्य बोलता, झूठ में बोलता नहीं, इससे झूठ बोलने से मेरा फांसी नहीं पड़ जाएगा। तो बात यह है जैसे हम चढ़े तो कुछ देर के बाद लैट्रिन लगा। विधायक जी, आपका फोटो वायरल हो रहा है कि तेजस ट्रेन में आप गंजी और अंडरवियर में दिख रहे थे और इसके बाद वहां के पैसेंजर ने आपत्ति जताई, फिर हंगामा हुआ, सच्चाई इसमें क्या है? सच्चाई है, वास्तविक में हम अंडरवियर और गंजी में थे, क्योंकि जैसे ट्रेन में चढ़े कुछ ही दूर तक निकले थे, मेरा पेट खराब था, मैं जो बोलता सत्य बोलता, झूठ में बोलता नहीं, इससे झूठ बोलने से मेरा फांसी नहीं पड़ जाएगा। तो बात यह है जैसे हम चढ़े तो कुछ देर के बाद लैट्रिन।